आपके साथ मैंने शेयर करना था। अक्सर मेरे कस्टमर जो पेशावर में आता है तो फिर पूछ रहे हैं कि बारबेक्यू हमने कहाँ पे खाना है। तो ये दादीन शिनवारी रेस्टोरेंट है रिंग रोड पे पंदु चौक पे। जैसे आप आ रहे हो तो आपके लेफ्ट साइड पे ये बोर्ड शायद आपको फिर नज़र आ जाएगा। इनके साथ ये है कि इनका जो बारबेक्यू है बिल्कुल नेचुरली है। अभी हमने उनसे ताज़ा गोश्त लिया, चार बंदे थे तो चार बंदों के लिए हमने 4 kg किया, क्योंकि हम पठान वैसे भी गोश्त ज़्यादा खाते हैं। वैसे पर हेड की नहीं, 1/2 kg बहुत ही बेस्ट है। और इनका गोश्त भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होता है। और इसके साथ व्यूअर्स अब देख लें, इनके साथ ये हमने बारबेक्यू लगाया है इनका। इनका स्पेशलिटी क्या है कि ये बारबेक्यू बना के फिर इसको दूसरे उसमें, ये देखें इनका ये दम पोख्ता है। और ये जो बारबेक्यू है इनका, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसके ऊपर कोई मसाला कोई चीज़ ऐड नहीं करता है। अपनी चर्बी के साथ इसको पकाते हैं और सिर्फ नमक लगाते हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और इसको दम नहीं दे देते हैं, जैसे ही ये सीख से उतार के आपको पेश करता है। इनका टेस्ट ही बहुत ही ज़बरदस्त होता है और नेचुरल, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, मसाले वगैरह नहीं होता। अब ये इनका एंट्री है, जैसे वो स्टार्ट में किचन था इनका, ये बाद में इसका पार्किंग। अभी जैसे हम आगे आप जाते हैं ना, तो पीछे जो सामने नज़र आ रहे हैं वो बैठने के लिए जगह है, सेपरेट फैमिली के लिए भी जगह है। और ये इनका पार्किंग है, मस्जिद एरिया है। अभी भी रात का टाइम है, हमें तो एक दोस्त ने इनवाइट किया था, वैसे मेरा रेगुलर यहीं पे आना होता है। तो अब सामने जो है ना, ये इनका पूरा हॉल है, ये बच्चा खेल रहा है, इस भाई ने हमें इनवाइट किया। और ये भाई जो ब्लू कपड़ों वाला है, लंदन से है मेरा भाई। और यहाँ पे हम बैठ गए, तभी इंतज़ार में है, अभी खाना आने वाला है। और ये बच्चा भी माशाल्लाह मस्ती करके, अभी हमारा खाना आया हुआ है। व्यूअर्स मैं आपको अभी बताता हूँ कि इनका देख लें, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी टेस्ट होता है इनका बारबेक्यू का। दुम्बी का गोश्त होता है और बहुत ही, और इसका टाइम लिमिट यू होता है कि 45 मिनट्स 50 मिनट्स में ये पकता है। और फिर कोई उसमें दम वगैरह नहीं देता, डायरेक्टली सीख से उतार के आपके लिए पेश करता है। तो ये नेचुरल है। अगर आप इस तरह खानों का शौकीन है तो दादी होटल, जो मैंने इनका बोर्ड शुरू में आपके साथ शेयर किया, तो ये देख लें व्यूअर्स, इनके बिल्कुल इसमें फाइट्स गायब हो जाते हैं। मतलब बारबेक्यू का ये अच्छा होता है कि आप पूरा कीजिए भी खा लें तो आपको कोई वो ज़्यादा फील नहीं होता। मतलब कढ़ाई में फिर बंदा बाद में वैसे ही बारी हो जाता है, लेकिन बारबेक्यू में ये अच्छी बात है कि आपको, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं बनता। इनका स्पेशल रायता बहुत ज़बरदस्त है, इनका सैलेड। और ये देख लें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने खूब मज़े से खाया और बहुत ही सॉफ्ट सा, ये देख लें व्यूअर्स, इतना सॉफ्ट कि बिल्कुल पिघलता है। और क्या टेस्ट, ज़बरदस्त। तो आप व्यूअर्स के साथ मैंने कहा चल अब ये शेयर करने, देख लें भाई इंग्लैंड से जाया है, बार बार यही कह रहे हैं कि इनका तो अजीब ही टेस्ट है। और माशाल्लाह इस भाई ने, शहजाद भाई ने हमें इनवाइट किया था यहाँ पे। तो अब हम चार बंदे थे, एक तो बच्चा था, लेकिन हमने 4.5 kg हमने ऑर्डर दिया था। अब बीच में फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना हमसे बचा हुआ है। जो है ना जबी, जैबी नाम है इनका, कनाडा में रहता है, 3.5 साल के बाद आया। और इन्होंने जब पहले नवाला लिया तो उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त टेस्ट है। और नवंबर का महीना भी है, नवंबर में वैसे ही ठंड होता है, तो ठंड में बारबेक्यू बहुत ही ज़बरदस्त होता है। एक तो ये बारबेक्यू में एक प्लस बात क्या है कि बोझ नहीं बनता है किसी के ऊपर, मतलब हैवी नहीं आ जाता है। आप घंटे दो घंटे के बाद फिर ये आप फील ही नहीं करेंगे कि आपने कुछ खाया हुआ है। और ज़बरदस्त टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने टोटली खाए हुए हैं, 2-4 हड्डी बच गए व्यूअर्स। तो जब भी आपने वैसे एक अपना पर्सनल वीडियो था, मैंने अपने चैनल पे लगाया, अगर आपको इस तरह चीज़ें पसंद हो तो फिर कमेंट में मुझे बोले, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट टाइम, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह घूमता फिरता बहुत हूँ और अक्सर रेस्टोरेंटों में, रेस्टोरेंट पे हम आउटिंग के लिए जब जाते हैं तो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं,
तो आपको इस साथ हम शेयर कर लेंगे कि पेशावर में क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या टेस्ट है, क्या स्पेशलिटी है पेशावर का। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सारे ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें, ज़रूर कमेंट कीजिए व्यूवर्स। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपके साथ एक शेयर करना था पेशावर की डिटेल कहानी के लिए, और इस तरह घूमने फिरने का भी जगह है तो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने कमेंट में इस तरह चीज़ें आपने लाइक करना है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।